माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम इस वीडियो में बेसिक वायर वेंडिंग करेंगे। उसके लिए हम मार्कर लेंगे, यूनिवर्सल लेंगे, स्केल लेंगे, कटर लेंगे, एडम्स लेंगे और ग्लेस लेप। और उसके बाद कुछ मेरे पास वायर हैं 23 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ हम 19 नंबर वायर पे काम करेंगे और 19 नंबर वायर मोटा वायर है। इसमें हम चार सीट बनाने वाले हैं। एक स्ट्रेट वायर करेंगे, सेकेंड सर्कल करेंगे, थर्ड ट्रायंगल एंड फोर्थ स्क्वायर। तो अभी हम स्ट्रेट वायर के लिए वायर को कट कर लिए हैं और इसमें देखिए जो हम अभी कट किए हैं इसको सीधा करने से पहले हम देखते हैं इसमें पूरा एडप्ट हो रहा है, यानी कहीं भी बैल उठा हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसको हमको सिर्फ सीधा करना है। अगर आप सीधा करते समय आप इधर उधर कर देते हैं तो फिर एडेप्ट नहीं हो पाता है। तो इसे स्मूथली सिर्फ सीधा करने की कोशिश करेंगे। जब सीधा हो जाए तो वहाँ पे रोक करके फिर ऊपर और नीचे का जो बैल जो एंडिंग पॉइंट है उसको कट कर देंगे। ये देखिए ऊपर और नीचे का वायर दोनों एंड पॉइंट छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया है। अभी से हम 4 इंच मार्क करके कट कर लेंगे वायर को। वायर को कट कर लिए। अब ये पूरा वायर स्ट्रेट है। अब इसमें हम ग्लास स्लैब पे इसको रोल करते हैं। पूरे अच्छी तरह से रोल हो रहा है, कहीं भी ये रुक नहीं रहा है, यानी ये वायर मेरा पूरा स्ट्रेट है। अब इसके बाद हम सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए हम वायर को कट कर लेते हैं। वायर को हमने कट कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सर्कल बनाएंगे सर्कल के लिए स्ट्रेट वायर नहीं करेंगे, सेम वैसे ही रहने देंगे। और बाकी ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए हम इसे वायर को पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। और इसमें हम स्ट्रेट 80% भी करेंगे चलेगा। उसके बाद जब आप ट्रायंगल या स्क्वायर बनाते हैं उस टाइम आप ग्लास स्लैब पे रख करके एडजस्ट कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। और इसमें कोशिश करें कि खुद ही बनाने का ट्राई करें। जितना आप ट्राई कीजिएगा उतना जल्दी फास्ट आपसे बनेगा। जैसे मेरा आपने अभी देखा, मैंने वीडियो स्किप भी नहीं किया और मैंने वायर को स्ट्रेट करके रोलिंग करके भी दिखाया। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा वायर भरे बर्बाद होगा, बेस्ट होगा, लेकिन आप कुछ में सीख जाइएगा। ये भी बहुत ईजी है, ये आपको आगे जाके क्लिनिक में काम भी आएगा। आप इसको आपको आगे करना ही करना है। तो कोशिश कीजिए कि खुद ही बनाने के लिए और सीखने के लिए। अब इसके बाद हमने वायर को स्ट्रेट कर लिया और जो भी एंड पॉइंट है उसको हम कट कर लेंगे। सभी वायर को हम एंड पॉइंट कट कर लेते हैं।
अब इसके बाद हम सबसे पहले वायर को तो हम इन पॉइंट कट कर लिए, अब इसके बाद सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल तो हम इसमें स्ट्रेट नहीं किए, सेम उसी तरह रहने देंगे और यूनिवर्सल प्लायर से हम इसको धीरे धीरे राउंडेड करेंगे। और एक जगह आप पूरे राउंडेड मत कीजिए, हल्का 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 चारों तरफ पूरा राउंडेड घुमाते रहिए और उसको 3-4 बार को पूरे राउंड करने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह वायर को राउंड कर रहे हैं। और ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ये 2 मिनट में वायर राउंड हो करके एडिट भी करके आपको दिखा देंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट ये राउंडेड हो गया है। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वायर है हम उसको कटर से कट कर देंगे। इससे पहले हम मेजर कर लेते हैं, रेडियस 1 इंच रखे हैं, टोटल राउंडेड 2 इंच का होना चाहिए। अब इसके बाद हम कट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अब इसे देखिए आप, ये पूरा राउंडेड दिखेगा। राउंडेड दिख रहा है ना। अब इसके बाद हम ग्लास स्लैब पे एडेप्ट करके देखते हैं, नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे उठ रहा है फिंगर टच करने पे, तो इसे हम एडेप्ट करेंगे। तो आप यूनिवर्सल या एडम्स जो आप पकड़ते हैं उसके बीच में आपको जहाँ से ग्लास स्लैब पे उठता है उस पर रख करके आप दबाने की कोशिश कीजिए, और हल्के हल्के दबाना है और फिर ग्लास से पे रखिए। वो उस तरह आप बार बार करते करते वो एडेप्ट हो जाएगा ग्लास लेप पे। अब देखिए कहीं से नहीं उठ रहा है, यानी कि ये पूरा एडेप्ट हो गया है। अब एक बार ग्लास लेप पे हम चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए पूरा एडेप्ट हो रहा है। ये हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया है। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिए, आपका भी बन जाएगा, एक दो बार कोशिश करते करते हो जाएगा आपका भी। अब इसके बाद हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का तीनों साइड 1 इंच रखेंगे, इसके लिए हम पहले मार्क कर लेते हैं 1 इंच। मार्क करने के बाद इसे हम मोड़ देते हैं, जितना मैंने 1 इंच मैंने मार्क किया था। अब उसके बाद फिर नीचे बेस में जब जंक्शन जोड़ना है तो दोनों साइड से 1/2 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें जंक्शन को जोड़ना है बीच में, ना कि कॉर्नर पे। कहीं कहीं कॉलेज में कॉर्नर पे भी टीचर बोलते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कहाँ पर बोलते हैं। अगर सेंटर में बोलते हैं तो आप दोनों साइड से 1/2 इंच ले लीजिए, और अगर कॉर्नर पे बोलते हैं तो आप डायरेक्ट 1 इंच भी लिए तो आपका बन जाएगा। इसे भी 1/2 इंच मार्क कर लेते हैं और इसको भी कट करके फिर तीनों साइड को मिला देते हैं।
ट्रायंगल बन गया। अब इसके बाद हम स्क्वायर बनाएंगे। अब स्क्वायर बनाने से पहले जो स्ट्रेट वायर है उसे हम चारों साइड वन इंच मार्क कर लेते हैं, यानी पूरे स्ट्रेट वायर पे वन इंच करके चार बार मार्क कर लेते हैं। और जहाँ जहाँ मार्क किए हैं उसे हम मोड़ देंगे वायर को, और इसमें पूरे जितना भी मोड़ना है सब 90 डिग्री मोड़ना है। अब ये स्क्वायर हम बना दिए, लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि जंक्शन है जो जो दोनों को बीच में जोड़ना है वो हम सेंटर में करेंगे, ना कि कॉर्नर पे। तो इसे हम सेंटर में करने के लिए हाफ इंच हम एक साइड से लेंगे, दूसरे साइड से हाफ इंच लेंगे, तो जाकर बीच में जंक्शन बीच में जाकर मुड़े जुड़ेगा। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वायर होगा उसको हम कट कर देंगे। कट कर लेने के बाद हम इसे मिला देंगे एक जंक्शन जहाँ हम बनाए हैं वहाँ पे, हम दोनों एक दूसरे को जोड़ देते हैं। और ये ऑलमोस्ट मैंने सब जगह 90 डिग्री कर दिया, यानी कि ये हमारा स्क्वायर भी बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद हम स्प्रिंग और एडम्स वगैरह हम आपको अगले वीडियो में बना के बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये था आज का वीडियो, सिर्फ बेसिक वायर बेंडिंग जो सिर्फ आप बनाने के लिए सीख रहे हैं कि किस तरह वायर को स्ट्रेट करते हैं, मोड़ते हैं और किस तरह वायर को घुमाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। Thank you for watching video.